सुबह सुबह निकले हैं झील पर, साइकिलें लेके निकले थे, कोई इरादा नहीं था झील का, लेकिन चलते चलते जगह काफ़ी अच्छी, हम रुक गए हैं। तो ये सुबह सुबह लोग साइकिलों पे यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से फिर लेते हैं कश्ती किराए पे, फिर उसको डालते हैं झील में। ये झील डायरेक्ट समुंदर से निकल के आती है और यहाँ से आगे दो जगह से एक हो जाती है, फिर ये आगे बड़ी झील बन जाती है। और पानी इसका बड़ा स्टेबल है, चलता है, लेकिन इस तरह लग रहा है जैसे नहीं चल रहा खड़ा। तो इसको बड़े स्टेबलाइज तरीके के साथ मतलब वो ऐसे रखा गया है कि इसका बहाव भी ज़्यादा तेज़ ना हो और लोग इसमें इंजॉय भी कर सकें। झील पर चंद एक मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के अपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जहाँ पर कश्तियाँ, लोग यहाँ पर आते हैं, कश्ती किराए पर लेते हैं और उसके बाद करते हैं सर्फिंग कश्तियों पे। ये सारी यहाँ से किराए पे ली गई हैं, किराए से उठाते हैं, यहाँ से कश्ती लेते हैं किराए पर। और कुछ लोगों की अपनी प्राइवेट कश्तियाँ होती हैं, जो कि इन्होंने मोस्टली जो गोरे हैं उन्होंने रखी होती हैं। देखें इनकी प्राइवेट कश्ती है, घर से लाए हैं साथ, ऊपर लगी हुई है मोटर, दो सीटें बड़ी प्यारी। और जब कश्ती लोग किराए पर ले लेते हैं तो ये देखें कितना अच्छा इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से आती है कश्ती नीचे इस जगह पर, और यहाँ से आराम से रखते हैं यहाँ पे पानी में, और फिर यहाँ से करते हैं स्टार्ट अपनी सर्फिंग। और ये देखें सुबह सुबह गर्मी को सही यूटिलाइज़ करते हैं ये गोरे, तो बड़े अच्छे तरीके से मतलब पूरा इंजॉय करते हैं, बड़े अच्छे तरीके के साथ जोड़ा। इन्होंने अपनी कश्ती एडवांस रखी हुई है, मतलब मेरा ख्याल इंजन भी लगा हुआ है, देखते हैं जब चलाते हैं फिर करते हैं शेयर आपके साथ। ये नीचे ला के इन्होंने रख दिया साइड पे, अभी ये बड़े प्यारे तरीके के साथ इसको डालेंगे पानी में। और जो भाई डंकी लगा के आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये कि समुंदर से सीधी आती है जर्मनी में, ये नया जगह इनको पसंद नहीं आई तो कह रहे हैं आगे से। वो बीबी ने उसको, औरत जो है हमेशा औरत की मानी जाती है, वो कहती है कि वहाँ से नहीं, तो यहाँ से ये डालने लगे हैं कश्ती अंदर। नहीं उधर वो बीबी का पाँव नहीं पड़ रहा था तो इधर वो लकड़ी पड़ी है, फाइनली उन्होंने अपनी चीज़ें चूँकि सेट करने के बाद कश्ती चली गई पानी में। चल भी जवाना, वो प्राइवेट कश्ती और साथ ही ये देखें इन्होंने ली हैं रेंट पे कश्तियाँ, चार बंदे हैं, दो दो तो जगह होती है दो दो की एक में इसमें। तो बाबे उन्होंने की तो कश्ती गई नहीं है, देखो जवाना दे काम। फाइनली बाबा जी ने अपनी रस्सियाँ रुस्सियाँ बांध के तो कश्ती फंसा ली है, ये गई बाबा जी की कश्ती पानी में। तो लेडीज़ फर्स्ट, तो सबसे पहले बाबा जी बिठा रहे हैं अपनी औरत को, बाद में अपना पता कोई नहीं। ये देखें जी, दिल होना चाहिए जवान तो उम्र चकी रखे, पहले अपनी बनाया औरत को, तो खुद बैठना था बाबा जी ने, तो उसने रिक्वेस्ट की है कि कोई हेल्प करेगा। तो ये जो बीबी है ये मतलब दिल की अच्छी है तो इसने किया हेल्प। तो ये देखें ये साथ में, अगर जिस तरह के ओलंपिक चैंपियंस होती हैं जो शिपों की, ये सारे स्कूलों के बच्चे हैं, यानी कि किसी ना किसी क्लब से बिलोंग करते हैं, तो उनकी ये कश्ती हैं, ये आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और इतनी देर में ये देखें बाबा जी की कश्ती हो गई है रेडी, तो ले चले जाए बाबा जी। बाबा जी ने अपनी कश्ती पानी में डाली और यूँ रवा दवा मंजिल की तरफ, उल्टी सिमत में चला रहे हैं, तो मेहनत है ना, ले आओ यार फिर हवाले नहर दे, तो यह भी चले। कश्ती की बैक साइड पे बना होता है एक छोटा सा, कह लें कि आपका बंकर, यानी कि उसमें आप अपने मोबाइल, जूते और हर चीज़ रख सकते हैं, और उसको कर दें बंद, पानी नहीं जाता वहाँ पर। और ये देखें पीछे आ गए जी, और देखें उनकी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है कि ये किस क्लब के साथ इनका तलक है, देखें एससी आगे मीना माइनर माइनर है। तो फ्रांस में ओलंपिक्स भी आ रही हैं, हो सकता है ये बच्चे अपनी ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हों। उधर से आते हैं मुखालिफ सीमत की तरफ और देखें इनका बैठने का स्टाइल, इसी तरह इन्होंने चलानी है, और ये सारे इकट्ठे होंगे फिर इनकी लगेगी रेस, और इसी तरह इनमें आता मोटिवेशन। और ये देखें स्टेबिलिटी इनकी, खड़ा करना कश्ती का, फिर ये इकट्ठे सारे चलाएंगे इनकी, वो ब्रिज तक लगेगी दौड़। इनकी भी कश्ती तैयार है, सामान वगैरह इन्होंने रखा है, तीन बंदे हैं। तो ये जो बाबा है ये वो दुकान वाला, ये इनकी हेल्प करवा रहा है, एक में बैठ गए हैं दो और एक में बैठेगी एक, कश्ती में दो और इस कश्ती में एक। ये देखें इन्होंने ली एक वाली है,
तो ये सारी कश्तियों का देखें कैसा अच्छा सीन बन गया है, चूरमट कश्तियों का। ये दो के अलावा बाकी सारे जो हैं वो क्लब वाले देखें जी, उसने गो कर दिया, दो दो की रेस लगेगी, पहले सारी कट्टी आई हैं, देखें इनकी स्पीड। ये है जी ओलंपिक की तैयारी, ये देखें स्पीड अच्छी है। और ये आगे जा रही हैं क्लब वाली, पीछे हो गई है प्राइवेट ये वाली कश्ती, इन दो दो की रेस लगेगी, दो तो वो गई सामने, अब ये तैयार करवा रही है कि दो अगली आगे आ जाए। एक करने लगी जी रेडी स्टडी गो गो, तो वो देख लें जी, वो गई हैं दोनों, वो आगे वाली तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ये नई बोट आ गई है, और इसी तरह गर्मियों में धूप को इंजॉय करते हैं गोरे, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं आती, तो इसीलिए ये गर्मियों में बाहर का रुख करते हैं सुबह सुबह, छुट्टी हो तो सोने पे सुहागा, जो फ्री हो तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ ये हैं। ये थी जी हम नहर पे निकले थे अचानक, तो छोटी सी एक्टिविटी हो गई साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप इंजॉय कर सकते हैं, नहर पर निकलें कश्तियाँ मिल जाएंगी आपको, तो लेकिन इसके लिए तैराकी मस्ट है, आपको तैरना आता होना चाहिए, तो उसके अलावा तो कश्ती लेना मुश्किल है। तो तैराकी सीखें, गर्मियों में नहर पर निकलें, इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। दो वाली कश्ती में लगी हुई हैं सीटें, वीआईपी माहौल है, चार वाली कश्ती में लगे हैं, तीन और चार वाली में लगे हैं फटे, और ये है कश्ती रानी जिसका हम बचपन में सुनते रहे हैं, और आज मैं देख रहा हूँ इनको कश्तियाँ चलाते हुए और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो।